आपने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, एक तो ये है, और दूसरा पॉइंट है कि समाज अमूर्त है। अमूर्त का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? बोलो। वेरी गुड। अमूर्त का मतलब कि दैट इज इनविजिबल, नोबडी कैन सी द सोसाइटी, मतलब कोई भी व्यक्ति समाज को देख नहीं सकता है, छू नहीं सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या है जो दिख रहा है, वो व्यक्ति है, वो समाज नहीं है। आपको श्याम दिखता है, मनोज दिखता है, संतोष दिखता है, समाज नहीं दिखता है, क्योंकि वो संबंधों में है। आपको जो दिखता है वो आपके पिता है, पिता नहीं दिखते हैं, वो मनोज कुमार दिखते हैं। एक्चुअली पिता तो रिलेशनशिप में है, समझ में आ रही बात? आपको जो आपकी बहन है वो बहन नहीं दिखती है, वो संतोषी है, ठीक है, सोनी है। वो जो दिखती है वो सोनी कुमारी है, संजना है, वो बहन नहीं दिखती है, क्योंकि बहन तो आपके रिलेशनशिप में है। नेक्स्ट, समाज के बाद एनीवन? समूह से मिलकर बना होता है। समाज समूह से मिलकर बना होता है, बिल्कुल गलत। जब संबंध है तो समूह कहां से आ गया? समूह दिखता है, समाज नहीं दिखता। तो आपका ये ऑप्शन गलत होगा, इसीलिए मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं टॉपिक वाइज। सोसाइटी शेयर द सेम कल्चर, ऑब्वियसली सोसाइटी में एक ही जैसी संस्कृति होती है, एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। सोसाइटी में एक कल्चर शेयर होता है और पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस, पारस्परिक जागरूकता होती है। जैसे आपको क्यूरियोसिटी होती है और उसके कारण सोसाइटी का निर्माण होता है। आप सपोज आप पार्क में हो या क्लासरूम में हो और कोई स्टूडेंट यहां आ रहा है या आ रही है, तो होता क्या है, आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आप अवेयर जरूर होते हो। अगर वो लड़की है तो लड़की सोचेगी कि मेरे जैसी है, और लड़का है तो लड़का सोचेगा, सोचेगा ना। और फिर क्या क्या डायमेंशन हो सकता है आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने जैसी चीजों को तलाशते हैं। अगर वो गोरी है तो आप सोचेंगे मेरे जैसी है, अगर वो सांवली है तो आप सोचेंगे मेरे जैसी है, मतलब इट इज म्यूचुअल अवेयरनेस। आप सिर्फ सोच रहे हैं, इंटरेक्शन नहीं कर रहे, लेकिन सोच रहे हैं, आप प्रभावित हो चुके हैं। प्रभावित होने का मतलब जरूरी नहीं है कि आप उससे बात कर रहे हैं, आपको मतलब इन टर्म ऑफ अट्रैक्शन जनरली आप समझते हैं, प्रभावित होने का मतलब है म्यूचुअल अवेयरनेस। जैसे आया कहीं ना कहीं आप उनसे इंटरेक्ट होने की कोशिश करेंगे, या आप फील तो कर रहे हैं कि वो मेरा साथी है, आपने कभी उससे बात नहीं किया। हमने अपने साथियों से, दोस्तों से, क्योंकि हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस नहीं थी, बातचीत नहीं थी, बड़े शर्मीले हुआ करते थे लोग, बड़े शाही नेचर के थे। तो हम अपने सारे दोस्तों को पहचानते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन हमने 80% से बात नहीं की है, लेकिन म्यूचुअली अवेयर हैं। तो सोसाइटी निर्माण हो रहा है, वो हमारे बीच में, अगर वो यहाँ आ जाएगी या आ जाएगा तो मैं पहचान लूंगा, अरे तुम ही हो, मेरे साथ ही हो, बट कभी बातचीत नहीं हुई। तो अवेयरनेस का मतलब ये होता है, जैसे पड़ोस में तुम्हारे है लेकिन वो तुमसे लंदन में मिलेगा जाके, अचानक तुमने कभी उससे बात नहीं की, तो वहां फूट जाएगा ज्वाला मोहब्बत का। अरे है, तो सोसाइटी में क्या होता है, प्रेम, और सोसाइटी इज क्रॉस्ड, सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज कोऑपरेशन, सहयोग और संघर्ष दोनों का जमावड़ा है सोसाइटी में, दोनों पाया जाता है। तो आपको सहयोग भी, लेकिन सहयोग हमेशा हावी होता है। और आप में से कोई? वेरी गुड। सोसाइटी में लाइकनेस और डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। तो आपको समझ, सोसाइटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखना है। अब आज से आप ये नहीं कहेंगे कि सोसाइटी दिखता है या नहीं दिखता है, क्या है, दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है,
दिखने वाला चीज क्या होता है? समूह होता है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कम्युनिटी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉर अ शॉर्ट मोमेंट के हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो कम्युनिटी क्या है, समुदाय क्या है, इसकी एक दो विशेषता बताइए. क्या है समुदाय? जिसमें सब लोग मिलजुल करके रहते हैं. और कोई? ठीक है, मिलजुल के रहते हैं सब लोग. हाँ, और कोई? एक और बात. हाँ, नेक्स्ट बताइए कोई कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. समुदाय में हम की भावना पाई जाती है. बिल्कुल सही है, वी फीलिंग है. वी फीलिंग का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? हम की भावना का क्या मतलब है? मिलजुल के रहना, मतलब हम सब लोग एक ही मानते, अपना मानते हैं उसको. हम की भावना का मतलब अपनापन. एक होता है मैं की भावना, सिर्फ मेरा. ठीक है, जैसे मेरा मकान है, नहीं कहते हम सबका मकान है. आ जाओ, कभी कभी मेहमान आते हैं, आप क्या कहते हैं? अपना ही घर समझो. कैसे समझे भाई? तो यहाँ पे हम की भावना है, क्योंकि सोसाइटी, ये कम्युनिटी हम सबका है ना. भाने वाला किसका है? देहरादून किसका है? हम सबका. दिल्ली किसका है? इंडिया किसका है? कम्युनिटी का लेवल है, गांव से लेके बड़े शहर तक, पूरा मुल्क. अमेरिका भी किसी के लिए कम्युनिटी है, हमारे लिए इंडिया कम्युनिटी है. हमारे साथ जो अमेरिका में मिलता है और कहता है वो इंडिया के एक गांव, केरल के गांव से है, तो हम कहते हैं मेरा भाई है, भारत से आया है, क्योंकि हम लोग एक कम्युनिटी के, हम की भावना है, वी फीलिंग है. इट इज वी फीलिंग और एज वेल एज कम्युनिटी सेंटिमेंट, सामुदायिक भावना. इट इज नॉट कॉमनल फीलिंग. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट. नाउ वी विल टॉक अबाउट एसोसिएशन. समिति क्या है? जो थोड़ी देर के लिए पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए बनाया गया, जब वो लक्ष्य खत्म हो गया तो उसके बाद वो ग्रुप खत्म हो जाएगा. फॉर अ टेम्पररी टाइम. पर्टिकुलर लक्ष्य को प्राप्ति के लिए ये कह रहे हैं कि बनाई जाती है. और कोई? बिल्कुल सही, निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती है. अब जैसे समूह है उसमें कॉमन इंटरेस्ट होता है. जैसे सपोज कि एक क्लास रूम है, इसमें एक कॉमन इंटरेस्ट है, सब लोगों को बीए करना है या एमए करना है. लेकिन उन बीए करने वालों में से भी एक स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है जो आईएएस करना चाह रहा है, और वो चार लड़के मिलकर के, चार स्टूडेंट मिलकर के तैयारी कर रहे हैं. स्पेशल स्टूडेंट का ग्रुप है जो नेट की तैयारी करना चाह रहा है, स्पेशल ग्रुप है जो जूडो की तैयारी करना चाह रहा है, स्पेशल ग्रुप है जो क्रिकेटर बनना चाह रहा है. वो चार हमेशा मिलता है और क्रिकेट पे डिस्कशन करता है. स्पेशल कुछ बच्चों का ग्रुप है जो सिंगर बनना चाहता है. स्पेशल और जनरल का मतलब समझे? घर से तो निकले थे स्पेशल के लिए, यहां आके जनरल हो गए. अब जनरल है कि आपको बीए करना है या एमए करना है, लेकिन इसमें भी पार्टिकुलरली अगर आप स्पेसिफिक हैं कि आपको आईएएस करना है, पीसीएस करना है, नेट करना है, तो आपने एक समिति का फॉर्म किया. यानी समिति का मतलब चार पांच लोग विशेष उद्देश्य के लिए जब आप संगठित होते हैं, बैठते हैं, और जैसे उद्देश्य प्राप्ति हो गया तो फिर क्यों आएंगे भाई? संतोष, मनोज और राम और श्याम चारों दोस्त है, चार मिलकर के सोचा कि डिस्कशन करेंगे, आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे, नेट की तैयारी करेंगे, और चारों मिलकर के आते थे और चारों आईएएस क्वालिफाई करेंगे. आप क्यों मिलेंगे? समिति का निर्माण निश्चित उद्देश्य के लिए होता है. और क्या क्या हो सकता है समिति में? बात समझ में आ गई समिति क्या है? तो और कोई? समिति या समुदाय या समाज या संस्था का अलग से भी वीडियो है, उसको भी आप सुन करके क्लियर कर सकते हैं. ये मैं एज ए होल आपको कंपैरेटिवली अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं. और कुछ? बिल्कुल, समिति का अपना रूल और रेगुलेशन होता है. जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है या ये एसोसिएशन है, जैसे आप एबीवीपी, एनएसयूआई, ये सब क्या है? एसोसिएशन है, निश्चित उद्देश्य के लिए, जीतने के लिए एक अपना उसका लक्ष्य है, वेलफेयर ऑफ, क्या वेलफेयर है समझ ही रहे हैं आप, वो सब उनका लक्ष्य है मतलब, और उसका उसको लेकर के काम करते हैं. तो समिति क्या है? समिति भी एक प्रकार का समूह है, कुछ लोग मिल करके काम करते हैं निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए.
अब ये बताओ समिति दिखता है या नहीं दिखता है? दिखता है, क्योंकि ये समूह है, उसको बोलते हैं मूर्त, तो ये विजिबल है। क्या है? विजिबल है। और सोसाइटी इनविजिबल। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की। चार टॉपिक पे हम आज डिस्कशन करना चाह रहे थे, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन। अब दिमाग में रखिएगा और इस वीडियो को आप बार बार सुने ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये मैं किसके लिए बनाता हूं? तो सो व्हाट इज एन इंस्टीट्यूशन, संस्था क्या है? स्मार्ट बॉय बताओ, संस्था क्या है? लो बोलो, संस्था क्या है? संस्था फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? संस्था नहीं, सामाजिक संरचना जिसे व्यक्तियों की आसानी के लिए बनाया जाता है। वेरी गुड, कह रहे संस्था एक सामाजिक संरचना है, व्यक्तियों की आसानी के लिए बनाया जाता है। तो मुश्किल के लिए क्या बनाया जाता है? और कोई ठीक है सर, ठीक है। और कोई समझ में आया बात? समझ में मुझे तो नहीं आ रहा है। संस्था क्या है, मतलब इसका क्या हुआ? जैसे प्रथा, आपका कहना है कार्य प्रणाली है। वेरी गुड, बट व्हाट इज कार्य प्रणाली, ये तो समझना पड़ेगा ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं कार्य प्रणाली को? प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या? वेरी गुड, रूल एंड रेगुलेशन। संस्था रूल और रेगुलेशन को कहते हैं। नियम होता है संस्था, जैसे क्लास की टाइमिंग है 10:45, ये इंस्टीट्यूशन है। नियम कानून, अब क्या क्या नियम होता है समाज में सुनो, उठने बैठने का नियम, पढ़ने लिखने का तरीका, खाने पीने का तरीका। खाने पीने का तरीका होगा ना घर में, कि कहीं पे ऐसे करके खाते हैं? नहीं खाते भाई, उसका एक तरीके है ना, कौन कि नहीं भाई ऐसे खाना। अच्छा, पूजा करने का कोई नियम होगा ना, कॉलेज में आने जाने का, ड्रेसेस होगा कॉलेज में, ऐसा तो नहीं कहीं पे कैसे। अच्छा, सो करके पढ़ाई थोड़ी कर रहे भाई, स्लीपिंग क्लास चल रहा है, नियम है ना। अब एक चीज बताइए, जब आप क्लास करने आते हो तो आपको किसने कहा कुर्सी पे ऐसे बैठना है? हेरिडिटरी भी है, मतलब वो हस्तांतरित होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। आप कुर्सी के हैंडल पे क्यों नहीं खड़े हो जाते हो, या कुर्सी पे खड़े होकर क्यों नहीं पढ़ते हो? क्योंकि नियम है, समझ में आ रही बात। कभी कोई टीचर आता है तो कुर्सी पे खड़े होकर क्यों नहीं पढ़ाता है? नियम है सोसाइटी का। नियम दो तरह का होता है, एक लिखित तो एक बिना लिखा होता है। परिवार में नियम है, माता पिता का सम्मान करना है ना नियम। उठने बैठने का तरीके है, सोने का तरीके है। आप लोग कितने बजे सुबह जाग जाते हैं? 5 बजे। सपोज अगर आप एक दिन 9 बजे जागते हैं और परिवार का नियम है कि सब लोग 7 बजे जाग जाए या 6 बजे, तो 9 बजे जागेंगे तो क्या होगा? क्या घटना घटने वाली है? टाइम नहीं, पापा मम्मी भी गुस्सा करेंगे आप पे। अगर सपोज दूसरे दिन भी 9:30 कर दिए और तीसरे दिन 10 कर दिए और ऐसे ही करते रहे, तो तेरा क्या हाल होने वाला है परिवार में? तो हर चीज उसी तरह, कॉलेज स्कूल में टाइम से जाना है, ड्रेस पहन के जाना है, नियम हर जगह काम करता है। ये नियम का समूह संस्था कहलाता है। दिस इज प्रोसीजर। लॉ तो अपने आप में एक यूनिट है ना, एक छोटा सा कानून है, नियम है। सड़क में बाईं तरफ चलना है, या एक नियम है कुर्सी पे ऐसे बैठना है। लेकिन बहुत सारे नियम है ना, 10 बजे आना है, कुर्सी पे ऐसे बैठना है, ऐसे नोट बनाना है, सर की लेक्चर सुननी है, ये सारी चीज करनी है, सब तो नियम है ना। अब ऐसा करो, सर भी लेक्चर दे रहे, तुम भी उधर से देना शुरू कर दो लेक्चर, ये नियम में नहीं है। तो संस्था क्या है? नियमों का समूह है। संस्था क्या? प्रोसीजर है। अब बताओ संस्था दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नियम दिखता है। 10:45 दिखा दो मुझे, किधर है? नहीं है ना।
परिवार में तुम्हारे उठने का तरीका क्या है, दिखाओगे? नहीं है। तुम अपने पिता का कैसे सम्मान करते हो, थोड़ा वो दिखा दो, किधर है सम्मान? वो सारी चीजें हमारे दिमाग में है, इनविजिबल है। अब आपको एक और ये जो मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं वो कमेंट बॉक्स के लिए दे रहा हूं, आप लोग कितना इस टॉपिक को समझे हो, जैसे कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी, आप हमें लिख करके बताओगे, हम देखना चाहते हैं कि आपका फीडबैक क्या है। इतना समझाने के बाद क्या आप सही में समझ पा रहे कि नहीं, इस सोसाइटी विजिबल और इनविजिबल? आप आंसर करेंगे आइदर सोसाइटी इज विजिबल और सोसाइटी इज इनविजिबल, आप लिखेंगे समाज। आपका क्वेश्चन है क्या समाज मूर्त है या अमूर्त, तो आप उत्तर करेंगे समाज मूर्त है या समाज अमूर्त है। उसी तरह आपसे प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इतना अगर आप समझते हैं तो आप पूरी टॉपिक समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या समुदाय मूर्त है या अमूर्त, इस कम्युनिटी इज विजिबल और नॉट विजिबल, तो आपको आंसर करना है कम्युनिटी इज विजिबल और कम्युनिटी इज नॉट विजिबल, समुदाय मतलब दिखने वाली चीज है या समुदाय नहीं दिखने वाली चीज है। इन द सेम वे इज एसोसिएशन विजिबल और नॉट विजिबल, क्या समिति अमूर्त है या मूर्त, तो आप लिखेंगे समिति मूर्त है या समिति अमूर्त है, क्योंकि कितने देर तक आपके दिमाग में यह बात रहती है संस्था मूर्त है या अमूर्त, आप आंसर करेंगे संस्था मूर्त है अथवा संस्था अमूर्त है। ये कमेंट बॉक्स में बताना है, इसलिए कि कई बार जब आप सुनते हैं जिस समय लेक्चर और डिस्कशन होता है उस वक्त तो याद रहता है, और आप कई बार गलती कर जाते हैं, जैसे सब चीज पढ़े होते बोलते हैं, कल भी तो बोल रहे थे समाज व्यक्तियों का समूह है और फिर बोलते हैं, तो ये चीज समझना, जैसे व्यक्तियों का समूह होगा व्यक्ति होगा तो वो दिखेगा, व्यक्तियों का समूह तो दिखेगा ना, लेकिन नियम किधर दिखेगा, नियम नहीं दिखेगा ना। तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में इसीलिए करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। थैंक यू वेरी मच।